अप्रैल नामांकन की अंतिम तारीख, 5 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 तक नाम वापसी का समय है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। राजस्थान में 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 12,50,000 के से भी ज्यादा परीक्षार्थी हैं। 4 अप्रैल तक चलेगी परीक्षाएं। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को ईडी ने पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे जयपुर कार्यालय में किया है तलब। जोशी को 18 मार्च को समन जारी कर बुलाया गया था, तब उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था। सरकारी दफ्तरों में आज होगा कामकाज, फिर रहेगा 4 दिन का अवकाश। कल 29 मार्च को गुड फ्राइडे, फिर 30-31 मार्च को शनिवार रविवार और फिर 1 अप्रैल को शीतला अष्टमी का रहेगा अवकाश। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जारी है चुनाव प्रक्रिया। इस बीच आरसीए की कथित अनियमितता के खिलाफ जांच के तहत सहकारिता विभाग आज करेगा अंतिम सुनवाई। 8 अप्रैल को है चुनाव और मतगणना के बाद मिलेगा नया आरसीए अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी रैली। राम के नाम पर वोट मांगकर करेंगे चुनाव अभियान का आगाज। शेयर बाजार चढ़ा, आज से लागू होगा T+0 ट्रेड सेटलमेंट। माह ए रमजान का आज 17वां रोजा, मस्जिदों में होगी 18वीं तरावीह की नमाज। शाम 6:45 पर होगा इफ्तार। जयपुर में आईपीएल का दूसरा मैच आज, राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली से होगा सामना। एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 से शुरू होगा मैच। चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबरों पर चर्चा की, उन बड़ी खबरों पर चर्चा जो आज राजस्थान पत्रिका अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी हलचलों की। शुरुआत राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल हुआ कल, और इस बीच कई बड़ी खबरें सुर्खियों में बनी रही। किस तरह से देख रहे कल पूरे दिन भर चुनावी हलचल? ये देखिए, मौसम विभाग की जो चेतावनी आ रही है गर्मी को लेकर के, मार्च महीने में ही देखो राजस्थान के ज़्यादातर शहरों में पारा जो है 40 से ऊपर पहुंच चुका है। बारह में तो कल 42.2 डिग्री टेम्परेचर दर्ज हुआ है। जैसलमेर, फलोदी आदि जिलों में, बीकानेर में लू चलने लगी कल। ऐसे में 19 अप्रैल और जो तारीखें हैं 26 अप्रैल, वहां तक गर्मी क्या रूप दिखाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और कहीं न कहीं अगर भीषण गर्मी, जिस तरह से भविष्यवाणी या मौसम विभाग कर रहा है, अगर गर्मी बहुत तेज पड़ी तो न केवल चुनाव प्रचार बल्कि मतदान भी प्रभावित हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों के लिए जो है नामांकन पत्र दाखिल करने का काम कल पूरा हो चुका है। आज से जो बाकी 13 सीटें हैं उनके लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बड़ी मुश्किलें पेश आ रही है चुनाव को लेकर के। कांग्रेस पार्टी में तो स्थिति ये है कि कम से कम 2 उम्मीदवार ऐसे सामने आ चुके हैं, जिसमें एक जो है राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत, जो पूर्व गृह मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत, गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत थे, उनके पुत्र हैं, उनको एक टिकट दिया गया जबकि वो विदेश में थे और वो पिछला विधानसभा चुनाव जो है भीम से हारे हैं और उसके बाद वो विदेश चले गए, दुबई में उनका कारोबार है, तो वहाँ उनको सूचना मिली कि उनको टिकट मिला है, तो वो यहाँ आए और उन्होंने कहा कि वो उनको जो है टिकट जो दिया गया है वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव अभी हारे हैं, तो उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो दोबारा चुनाव लड़ें। इसी तरह से जयपुर शहर की सीट के लिए भी इसी तरह का मामला हुआ, जहां जो है प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, फिर भी उनको टिकट दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की कि पूरे प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे एक तरह, और उसका कारण है क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है राजस्थान में और बड़े मतों के अंतर से, उससे कहीं न कहीं हर एक को लगता है कि ये चुनाव लड़ना जो है
न केवल धन बल्कि श्रम की भी एक तरह से बर्बादी है। इस तरह की सोच कई कांग्रेस के नेताओं में पनप रही है, यही कारण है कि स्थितियां इस तरह से बनती जा रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है, उसके जो भी बड़े बड़े नाम है राजस्थान में, उनको अपना चुनाव दोबारा जीतने में मतलब परेशानी पहले से लग रही है, जिसमें बाड़मेर का उदाहरण सबसे पहले सामने आ रहा है, जहाँ पर जो है जो कैलाश चौधरी है, कृषि राज्य मंत्री है केंद्र में, उनके उनको भाजपा ने टिकट दिया है और कांग्रेस की तरफ से जो मेघवाल प्रत्याशी है, बेनीवाल प्रत्याशी है, उनका टिकट है, और एक निर्दलीय है रविंद्र सिंह भाटी, जो शिव से पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा और उनके विद्रोहियों सबको चारों को हरा करके जीत गए थे, वो भाजपा का टिकट नहीं मिलने की वजह से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर खतरा लग रहा है। और अब जो निर्दलीय चुनाव जीती है बाड़मेर शहर सीट से प्रियंका चौधरी, उनको जो है भाजपा ने अपने साथ मिलाया है और कहीं कहीं चुनाव जीतने की जैसे तैसे कोशिश की जा रही है। ऐसी ये एक सीट नहीं, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर केंद्र में मंत्री जो है, चाहे अलवर हो चाहे जोधपुर हो, वहां पर कहीं कहीं परेशानी जरूर लग रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये भी एक तरह से वहाँ भी कई जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई है उसमें लोगों पार्टी के नेताओं को लग रहा है, और कुछ सीटों पर पार्टी फोकस भी कर रही है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य तो फिर से 25 सीटें जीतने का है, उसमें जो भी मुश्किलें दिख रही है और बड़े बड़े नामों को अगर खतरा है तो 25 की 25 सीटें जीतने का लक्ष्य निश्चित रूप से जो है बहुत ही मुश्किल पेश आएगा भाजपा को। जी, तो भाजपा का मिशन 25 है, लेकिन इस बार काफी कुछ चुनौतियां हैं। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, दिलचस्प चुनाव और नतीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर से उस खबर पर लौटना चाहूंगा, टिकट में जिस तरह से बदलाव हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, पहले जयपुर में हुआ बदलाव और अब राजसमंद में भी देखने को मिलेगा। एक लंबी प्रक्रिया चलती है टिकट वितरण को लेकर, काफी कुछ सर्वे भी होता है, क्या मानकर चलें कि एक नहीं दो टिकट में बदलाव होना मिसमैनेजमेंट है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस में व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है, और कहीं ये भी कह सकते हैं बहुत मन से भी नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई थी, और फिर उसके बाद में जो राज्य स्तर के नेता है वो अपने इस हार के गम में ही गम से अभी तक नहीं उभरे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी तो दूर है, और कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार तो अभी बहुत दूर की बात है, प्रत्याशी तय करने में भी बहुत गंभीरता कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर नहीं आई है। बावजूद उसके यदि भारतीय जनता पार्टी 2-4 सीटें जीतने में नहीं, कांग्रेस पार्टी 2-4 सीटें जीतने में सफल होती है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से इस तरह के प्रयास लग नहीं रहे हैं कि वो चुनाव जीतना चाहती है या चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। एक तरह से कहा जा सकता है हारी हुई बाजी जो है कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिख रही है कई सीटों पर, हालांकि कुछ सीटों पर स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी भी है, लेकिन जिस तरह का माहौल है निगेटिव सा पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं में हताशा का भाव ला रहा है, जो कि चुनाव के लिहाज से, क्योंकि आखिरकार चुनाव तो कार्यकर्ता जिताता है, अगर कार्यकर्ता में जोश नहीं है या उसके जोश में कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अब ये जो आगे नामांकन पत्र भरने का काम, नाम वापसी और जो जब फाइनल हो जाएगा तब तक हो सकता है कांग्रेस भी कुछ टिकट बदले, भाजपा में भी एक दो बदलाव हो जाए, दोनों तरफ स्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है। जी, और आपने जिक्र किया कांग्रेस के कैंडिडेट्स की किस तरह की मानसिकता है, एक झलक ऐसे भी देखने को मिलती है, जयपुर शहर से प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका स्टेटमेंट आता है, मैं कमजोर हो गया हूं, मेरी मदद करो, इस तरह की अपील प्रत्याशी कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। नहीं, उनका एक तो उनको जो टिकट मिला वो एकदम से उनके लिए थोड़ा वो एक कह सकते हैं शॉक टाइप था, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ती है और चुनाव की तारीखें घोषणा होने से काफी पहले लोगों को सक्रिय होना पड़ता है, और लोकसभा का चुनाव क्षेत्र तो इतना लंबा चौड़ा होता है जहाँ पे एक बार जाके मतदाताओं से संपर्क करने में भी काफ़ी समय लगता है। ऐसे में उनका कहने का अर्थ ये है कि अभी अभी तो वो विधानसभा का चुनाव हारे हैं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो हार की वजह से वो कमज़ोर तो हैं, तभी तो हारे हैं, और अब विधानसभा में हारे हुए हैं को लोकसभा में यदि टिकट मिल जाता है तो लोकसभा के लिए जितनी ताकत चाहिए, जितनी मजबूती चाहिए,
वो तो निश्चित रूप से नहीं है प्रताप सिंह खाचरियावास में। अब सवाल रहा भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो कितने मजबूत है, या उनका खुद का कितना जनाधार है, या वो केवल नरेंद्र मोदी के ही सहारे हैं कि मोदी जी के सहारे ही उनको वोट मिल जाएंगे भले उनका जनाधार हो नहीं हो। वो दोनों परिस्थितियां हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति जयपुर शहर तो वैसे भी जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड इस सीट से नहीं रहा है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। तो ऐसे में जो स्टेटमेंट है वो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अभी वो लोकसभा चुनाव लड़ने जीते मजबूती उनके पास नहीं है, इसलिए लोगों से वो मदद की अपील कर रहे हैं। लोग मदद करेंगे या नहीं करेंगे इसका तो जानकारी जो है इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। 4 जून को चलेगा और चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं, गर्माहट और धीरे धीरे बढ़ने लगेगी आने वाले दिनों में। इधर स्टार प्रचारक भी आएंगे अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री भजन लाल भी चुनावी मोड पर हैं, वो खुद उन्होंने कमान संभाली हुई है एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी को जिताने की, और मिशन 25 चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस पर भी निशाना। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में यदि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है या कोशिश कर रहा है तो वो अकेले भजन लाल है, बाकी कोई नेता प्रचार करता हुआ फिलहाल दिखा नहीं है। हो सकता है जब ये नामांकन पत्र वगैरह भर जाएंगे, फाइनली नाम वापसी हो जाएगी, उसके बाद में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अकेले मुख्यमंत्री भजन लाल ही अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, या कहीं नामांकन पत्रों की रैली में जाना पड़ रहा है तो कहीं अन्य किसी कार्यक्रम में वो जा करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं माहौल बनाने की। लेकिन ये माहौल जो है वो लोकसभा चुनाव की मतदान की तारीख तक बना रहे, इसके लिए तो ज़रूरी है कि भजन लाल के अलावा भी जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो राजस्थान में चुनावी सभाएँ करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य स्टार प्रचारक जो भी हैं भाजपा के वो करेंगे, तभी टारगेट 25 जो है उसके आसपास पार्टी पहुंच पाएगी। जी, लोकसभा में मिशन 25 को लेकर बीजेपी बढ़ रही आगे। इधर कल के एजेंडा टुडे कार्यक्रम में भी हमने राजस्थान में चुनावी हलचलों को लेकर एक खबर पर चर्चा की थी और उसके बाद एक सवाल आपके सामने रखा था, उसका जवाब हमें मिल गया है। सवाल था, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने टिकट वितरण के लिए तय किए गए सारे नियम कायदे ताक पर रखकर जिताऊ को टिकट बांटे हैं, क्या आपको लगता है राजनीतिक दलों का ये रवैया लोकतंत्र की सेहत के लिए सही है? 57% लोग मान रहे हैं सेहत के लिए सही नहीं है, 43% का मानना है आसे भी। नहीं, जनता तो मानती है कि अगर इस तरह से हर किसी को इस खाली वो जीतने वाला है, धनबल है, बाहुबल है या जो कुछ भी कारण है उसकी वजह से यदि टिकट दिए जाते हैं तो लोकतंत्र के लिए तो वो अच्छा नहीं होता है, और जनता भी इससे सहमत है। इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो अगर हम कह सकते हैं राजस्थान में अगर कोई नेता सक्रिय है फिलहाल जितना भी, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर कोशिश कर रहे हैं, कई जगह उन्होंने दौरे भी किए हैं, सभाएं भी की है, और निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हैं। अब उनके अकेले की कोशिशें कितना रंग ला पाएगी ये समय बताएगा। जी चलिए, इस कल के सवाल के जवाब के साथ एजेंडा टुडे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, वापस लौट के आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और आपको आगे काम की खबरें भी बताएंगे। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या आंखों पर पट्टी ही क्यों ना बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है, प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज ना कभी रुकी है ना थमी है। हम हैं आपकी अपनी राजस्थान पत्रिका। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एजेंडा टुडे कार्यक्रम। आप देख रहे हैं बड़ी खबरों पर चर्चा हो रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी
राजस्थान की हलचलों पर हमने ब्रेक से पहले चर्चा की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की राजनीति गरमाई हुई है। बात महाराष्ट्र और बिहार में से आई है खबर कि जहां पर सीट बंटवारे को लेकर और गठबंधन इंडिया गठबंधन के बीच कुछ तकरार की खबरें सामने आई है। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर ये जो खबरों का आने का सिलसिला है, कभी आता है नहीं बहुत कुछ ठीक हो गया, कभी फिर एकदम से वापस ही आता है कि नहीं अभी बहुत कुछ गड़बड़ है। अभी ताज़ा खबरें महाराष्ट्र से चल रही है कि वहाँ पे जो है शिवसेना उद्धव ने कल 17 प्रत्याशी घोषित कर दिए, उसके बाद कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। जो संजय निरुपम है मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने खुले तौर पर ये अपनी पार्टी को ही अल्टीमेटम दिया है कि वो एक हफ्ता तक इंतज़ार करेंगे अगर ये जो मनमाने तरीके से सीटें घोषित की गई है और मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से जहाँ से उनका खुद का दावा है, यदि अगर शिवसेना उद्धव ने अपना प्रत्याशी वहाँ से वापस नहीं लिया तो उनके पास सामने बहुत सारे विकल्प खुले हैं। मतलब ये कि वो शिवसेना के शिंदे गुट के साथ भी जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, या फिर वो एनसीपी जो नई बनी है पर शरद पवार के भतीजे की, उसमें भी जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बहुत सारे विकल्प उनके पास खुले हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र या एनसीपी या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में लगातार बातचीत होती रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी बातचीत हुई है, उसके बावजूद ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है? कोई पार्टी अपने स्तर पर बिना इधर उधर आपस में सलाह किए प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है। यही स्थिति लगभग जो है कहीं कहीं बिहार में बनी हुई है। बिहार में जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग आए, पप्पू यादव बिहार में आए हैं, इधर महाराष्ट्र में भी कुछ नेता आए हैं, उनकी सीटों पर जिस तरह से दावा उनके कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल कर रहे हैं, उसकी वजह से परेशानियां बहुत बढ़ती जा रही है। और कहीं कहीं इसको लेकर के जो एक माहौल इंडिया गठबंधन के लिए बन रहा था वो प्रभावित होता है। और ये जो परिस्थितियाँ हैं वो पहले से ही कमज़ोर विपक्ष के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो अब आगे महाराष्ट्र और बिहार में हालांकि अभी बातचीत जारी है, क्या ये जो बात बिगड़ी है वो आगे जाके बन जाएगी या फिर ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, किस तरह की परिस्थितियां बनेगी? क्योंकि ये कि ये दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की भी सीट बंटवारे को लेकर लगभग ऐसी स्थिति बनी हुई है। बिहार में भी जो है नीतीश कुमार के साथ सीटों के बंटवारा का पेच फंसा हुआ है। इधर जो एनडीए में जो शामिल हो गए हैं शरद पवार के भतीजे महाराष्ट्र में, या ये शिवसेना शिंदे गुट, इनके साथ तालमेल को लेकर भी बहुत अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी मामला पेच फंसे हुए हैं। तो देखना होगा, क्योंकि ये दोनों बड़े राज्य हैं और इनके नतीजों का निश्चित रूप से केंद्र में सरकार बनने की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे में काफ़ी दिलचस्प रहेगा देखना कि इन दोनों राज्यों में इंडिया और एनडीए गठबंधन की फाइनल स्थिति क्या रहती है। जी, तो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों में कुछ तकरार की खबरें आ रही हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार का टारगेट लेकर एक बार फिर से चुनाव अभियान में उतर रहे हैं। आज से उनका चुनाव प्रचार का शंखनाद होने जा रहा है। देखिए, ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का यदि 3/4 हिस्सा 75% हिस्सा यदि किसी पर निर्भर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। वो कितने राज्यों में कितनी सभाएं करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए पूरा दबाव यदि हम कह सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है चुनाव प्रचार का। कार्यकर्ता मोबिलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से ज़्यादा अच्छा है तो उसका भी एक फायदा है, लेकिन बड़ा फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी को खास करके लोकसभा चुनाव में यदि कोई है तो वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान ही है। और इस बार तो उनके जो उनके पास तर्कस में राम मंदिर का तीर भी है, इसके अलावा जो 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म की गई वो भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि के रूप में वो गिनाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख करते हैं और इसका जनता पर असर भी पड़ता है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल रहा, विपक्ष जिस तरह से चुनाव प्रचार की, उसके पास भी ऐसा नहीं है, चुनावी बॉन्ड को लेकर के बहुत बड़ा एक हथियार विपक्ष के हाथ में लगा है, जिसको वो लेकर के वो चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा चुनाव में अपनी बात रख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी
चुनावी चंदे को लेकर जो भी स्थितियां रही है उनका खुलासा करके जनता के बीच जा सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, विपक्ष में ना तो इतना कोई अच्छा वक्ता दिखाई दे रहा है मजबूत, न जो है प्रचार अभियान, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के तो खाते फ्रीज है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास तो चुनाव प्रचार करने के भी पैसे नहीं है। केरल से तो खबर ये आई है कांग्रेस की राज्य इकाई वहाँ पे क्राउड फंडिंग करके और चुनाव लड़ेगी, क्योंकि खाते फ्रीज होने की वजह से आला कमान या केंद्र से उनके चुनाव में जो मदद मिलती है पार्टी की तरफ से वो नहीं मिल पा रही है। तो काफ़ी उलझी हुई परिस्थितियाँ हैं जो अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और मुखर रूप से चीजें सामने आएगी। जी, तो एक बार फिर से बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है और कई कैंडिडेट्स तो खुलकर ये भी कह रहे हैं कि हमें वोट मत दीजिए, आप प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट दीजिए। कंगना रनौत का भी इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया। इधर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आबकारी घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। नहीं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे कि उन अपने जो ईडी ने जो गिरफ्तार किया उनको, उसको उन्होंने चैलेंज किया था, गैर कानूनी बताया था। तो सुबह जब सुनवाई शुरू हुई कल, तो हाई कोर्ट ने जो है ईडी से इस पर जवाब मांगा, इनकी याचिका पर। तो ईडी ने इसके लिए समय मांगा। तो पहले तो ये हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप जवाब जल्दी दीजिए, आज दिन में ही दोबारा इस पर सुनवाई होगी। और फिर शाम को जब सुनवाई हुई तो ईडी ने जो समय मांगा था वो अदालत ने दे दिया। जो समय सुबह हाईकोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थी वो ईडी की दलीलों के बाद दोपहर में, शाम को जब सुनवाई हुई तो 2 अप्रैल तक का समय दे दिया। कोशिश ये थी कि अरविंद केजरीवाल जो है किसी भी तरीके से जो भी कानूनी रास्ते हैं उनका, उनको अपना करके एक बार लोकसभा चुनाव से पहले जो है जेल से बाहर आ जाए ताकि वो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर सके। इसके लिए पहले उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, फिर उस समय लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई तो फिर बात और ख़राब हो जाएगी, उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ऐसे में उन्होंने जो है इसको लेकर के अपनी वो करी जी, और हाई कोर्ट के जरिए अब हाई कोर्ट में जो भी फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राहत की कोशिश करेंगे। कितनी सफल होगी ये समय बताएगा। जी, समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और लोकसभा चुनाव से पहले राहत मिलती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। चलिए, एजेंडा टुडे कार्यक्रम में वक्त हो चला है बड़ी खबरों पर चर्चा को यहीं पर विराम देने का। अब रुक करते हैं एजेंडा टुडे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट काम की खबरों की ओर, और देखते हैं क्या कुछ काम की खबरें। तो काम की खबरों में अडानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर जिले के देवीकोट में शुरू किया 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, 540 मिलियन यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। राजस्थान के 12 जिले के सीसवाली थाना क्षेत्र के बडगांव स्थित यूको बैंक की शाखा पर डाका, बंदूक दिखाकर 10,75,000 रुपए लूटे दो बदमाशों ने बैंक कर्मियों को डराने के लिए किया हवाई फायर। राजस्थान में 26,000 करोड़पति, 10-12% की दर से बढ़ रहे हैं राज्य में अमीर। इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए 14 अप्रैल से 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राजस्थान हज ट्रेनर्स वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से जयपुर में आयोजित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश या कर्नाटक से चुनाव लड़ने के पार्टी के प्रस्ताव को कहा ना, बोली ना तो मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन है और चुनाव जीतने के अनुकूल कारण। भारतीय पुलिस सेवा के सदानंद वसंत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया। वे 31 मार्च को हो रहे हैं रिटायर दिनकर गुप्ता की जगह लेंगे। आईपीएस पीयूष आनंद एनडीआरएफ का डीजी और राजीव कुमार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डीजी बनाए गए। ब्राजील में 40 करोड़ रुपए में बिकी भारतीय नस्ल वियाटिना 19 FIV मारा इमोसिव की गाय। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले की गाय पशुओं की नीलामी में रिकॉर्ड कीमत में बिकी।
हनीमून पर पत्नी को सेकेंड हैंड कहने पर ट्रायल कोर्ट में 3 करोड़ रुपए मुआवजा और 1.5 लाख रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने के पति को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को पालनपुर की एक अदालत ने 1996 के एक मामले में दोषी ठहराया है। आज सुनाई जाएगी सजा। पालनपुर के एक होटल में राजस्थान के वकील को ड्रग्स के मामले में झूठा फंसाने का आरोप। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव को नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल से मिल गई है छुट्टी। कोलकाता में एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के खड़े विमान को इंडिगो के विमान ने मारी टक्कर, कोई हताहत नहीं, दोनों पायलट रोस्टर से हटाए गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भारत चीन सीमा पर 2 चीनी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसते हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली डिप्टी कमांडर और 2 महिला नक्सलियों समेत 6 नक्सली मारे गए। दुनिया का हर छठा बच्चा हो रहा साइबर प्रताड़ना का शिकार, पीड़ितों में बच्चियां ज्यादा। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 44 देशों के 2,79,000 बच्चों पर अध्ययन का यह नतीजा है। मार्च महीने में ही तपने लगा राजस्थान। बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर में चलने लगी लू। 12 जिले के अंता में दिन का तापमान पूरा राज्य में सबसे ज्यादा 42.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। अधिकतम तापमान राज्य के अधिकांश जिलों में 40 के पार, 29 और 30 को चलेगी तेज हवा। 1 अप्रैल से बदलेगा राजस्थान के स्कूलों का समय। 1 पारी के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 2 पारी के स्कूल के पहली पारी सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पारी 12:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक होगी। राजस्थान हाईकोर्ट पशु चिकित्सक का भर्ती परीक्षा 2019 में अपात्र अभ्यर्थियों के चयन को लेकर दायर याचिका पर प्रभावित पक्षकारों का पक्ष सुनेगा ताकि फिर न हो मुकदमेबाजी। NTA ने नवोदय विद्यालय समिति में गैर शिक्षण में विभिन्न 1,377 पदों के लिए 30 अप्रैल तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 5 अप्रैल तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। तो चलिए इन्हीं काम की खबरों के साथ आज के एजेंडा टुडे कार्यक्रम में इतना ही रख रहे हैं। शुक्रिया आपका दौलत सिंह चौहान जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे बड़ी खबरों पर चर्चा की। तो चलिए अब आप सभी से कल मुलाकात करेंगे, कल भी करेंगे बड़ी खबरों पर चर्चा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।